पर जो आपने शुरू में अच्छे बजट की बात की, मैं उसके ऊपर कहना चाह रहा था। नहीं नहीं, मैं मेरी मैंने तो कहा लाइट नोट पे, बात यह है कि इस्ते काम एक सेकंड, एक मिनट का, दूसरा सनाउल्ला साहब एक मिनट दे दें, अगर कहते हैं मैं खामोश हो जाता मुझे कोई तरह नहीं। चले सर, मैं नहीं, उन्होंने राणा साहब को नहीं चाहते मैं जवाब दूं, ठीक है राणा साहब, सर कर आप करें जी। मैंने गुलाम मुर्तजा सर, तो आपने टैक्स किया हमें सैलरीड क्लास को, और लेकिन सीजीटी आपने कोई उसमें चेंज नहीं किया, स्टॉक मार्केट का पैसा तो वहाँ पे है, कैपिटल गेन टैक्स आप वहाँ पे कुछ करते तो पता चलता कि जी आपने कोई अपनी क्लास को भी हाथ लगाया है। दूसरी बात ये है कि आपने टैक्स टू जीडीपी 10% की बात की है, चले हम तो स्टूडेंट ऑफ इकॉनमी है, सब लोग कहेंगे कि ठीक है जी मुल्क को ठीक होना चाहिए, बट उसके कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती हैं गवर्नमेंट की, उन ऑब्लिगेशंस में कोई प्रोजेक्शन नज़र नहीं आ रही आपकी, ना हेल्थ सेक्टर में, ना पीने के पानी में, ना आपकी किसी और जगह पे, किसी भी जगह में किसी सेक्टर को देख लें। तो ये नेग्लिजेंस नहीं है कि आप एक तरफ तो टैक्स टू जीडीपी 10% आप कह रहे हैं हमने करना है, पीछे वेलफेयर भी कुछ चीज़ होती है, कुछ और चीज़ें भी जो इसके साथ लिंक्ड है, इंटरनेशनल जो बजट बनते हैं उनमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है वाम के लिए सिवाय टैक्सेशन के। नहीं, वो बता रहे कि जी वो ऑटोनोमस इदारा है तो वो अपना जो है खुद उसके बारे में डिसीजन करें। ये आप सीजीटी पे दे रहे हैं जी, मैं बता दूं सीजीटी का जो उन्होंने, आप बताएं 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 बताएं। अच्छा, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं मुख्तसर रखें ताकि सवाल हम इनके ज्यादा दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जैसे दोस्तों की ख्वाहिश होगी उसके मुताबिक करेंगे। सीजीटी के जो आपने बात की है ना सर, देखें जो बंदा शेयर खरीदता है ना, अगर उसकी डॉक्यूमेंटेड इनकम है तो अपनी इनकम पे पहले टैक्स दे चुका हुआ है, एक अर्ज ये सुन लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आप सीजीटी के ऊपर जो पहले उसकी टाइम के साथ जो उसकी लिंकेज थी ना, उसको ख़त्म करके 15% कर दिया गया है, तो उसका भी जो रेवेन्यू इंपैक्ट आएगा वो भी देख लें। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि अगर आपने वो ब्लैक आमदनी के थ्रू टैक्स से वो शेयर खरीदे हुए हैं और आप नॉन फाइलर हैं तो उसका भी कितना रेट है वो भी आप देख लीजिएगा। तो गुजारिश ये है कि एफर्ट सारी चीज़ों के ऊपर हुई है ताकि हम जिस हद तक कर किसी एक तबके के ऊपर टैक्सेशन की इंसिडेंस घटा सकें वो कर सकें, तो ये बिल्कुल एफर्ट हुई है, और ये तीनों चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा बजट में।